आप YouTube पर नए क्रिएटर नया नया चैनल खोले हैं, एक दो महीने बीता है, तो बहुत हद तक संभावना है कि आप टेक्निकल मोटू, आप राजस्थान और झारखंडी कलुआ का वीडियो जरूर देख चुके होंगे। ये लोग YouTube पर फटाफट कैसे ग्रो करें के बारे में आपको टिप्स देते रहते हैं। आज टेक्निकल मोटू ने बताया, आज की वीडियो में बताया कि आखिर YouTube पे जो लोग आते हैं, साल दो साल तीन साल चार साल काम करते हैं, लाख दो लाख सब्सक्राइबर भी होता है और फिर वे YouTube से गायब हो जाते हैं, आखिर क्या वजह है। उसकी वजह उसने जो बताई, उसको मैं नहीं कहता कि उसने गलत बताया, लेकिन उसको इस बारे में भी प्रकाश डालना चाहिए जो लोग 6-7 साल से हैं, सबकी ग्रोथ बराबर क्यों नहीं। जैसा कि उसने कहा कि कुछ लोगों का कंटेंट खराब होता है, दूसरों का कॉपी पेस्ट करते हैं या झूठी बातें करते हैं, वो साल दो साल में उनका पोल पट्टी खुल जाता है और बुरिया बिस्तर बढ़ जाता है। अपने को उसने बताया कि मैं 7 साल से हूँ YouTube पर, तो 7 साल से झारखंडी कलुआ भी है और टेक्निकल मोटू तो खुद को कह ही रहा है कि मैं 7 साल से हूँ, तो झारखंडी कलुआ आखिर 50 लाख सब्सक्राइबर तक कैसे पहुँच गया, और ये टेक्निकल मोटू है ये 18 लाख सब्सक्राइबर के आसपास ही है। व्यू का डिफरेंस भी बहुत है, जहाँ झारखंडी कलुआ 1.5 लाख तक व्यू ला रहा है इधर कुछ समय से हर वीडियो पर, अगर वीडियो 24 घंटे के व्यू को देखा जाए तो, और वहीं टेक्निकल मोटू का 10-12 हज़ार व्यू आ जाता है या उससे भी कम आता है। तो क्या यह मान लें कि टेक्निकल मोटू का कंटेंट झारखंडी कलुए से खराब होता है? दोनों टिप्स ट्रिक ही बताते हैं, अपडेट ही बताते हैं यूट्यूब की, और सबका यही दावा होता है कि मैं सबसे पहले बताता हूँ। फिर वह कौन सी बात है? एक ही चीज़ बताने वाले, एक ही समय से बताने वाले कोई आसमान तक पहुंच जा रहे हैं या उनको आसमान पे होने का एहसास हो जा रहा है, और दूसरा अपने आप को बहुत नीचे पा रहा है। कंटेंट भी अच्छा है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, एडिटिंग भी अच्छी आती है, फिर वह कौन सा रीज़न है जो झारखंडी कलुआ को काफ़ी आगे ले गया? उसके आगे सिर्फ एक ही रोड़ा है, वह है टेक्निकल गुरुजी, और वो उसको बहुत खटकता है, बार बार टेक्निकल गुरुजी की कुछ न कुछ बुराई बताता रहता है ताकि उसके व्यू कम हो जाए या टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब छोड़ दें और वह नंबर 1 बन जाए। ये तो खैर अलग बात है। फिलहाल हम बात इस बात का कर रहे हैं कि आखिर एक साथ दो करने वाले दो चैनल, दोनों का कंटेंट एक जैसा है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी एक जैसी है, बोल भी अच्छा लेते हैं, फिर एक 50 लाख सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंच गया, दूसरा 18 लाख तक ही क्यों रुक गया? उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि 50 लाख वाला आपके टेढ़ेपन का फायदा उठाना अच्छे से जानता है। वह जानता है कि कैसा थंबनेल बनाए, कैसा टाइटल लिखें, चाहे वो भले क्लिक बेट ही क्यों ना हो, कि दर्शक उसको उस वीडियो को देखने के लिए बेचैन हो जाए और देखने के लिए एक बार क्लिक कर दें तो अपने शब्दों में ऐसा उलझा कर रखें कि वीडियो को ज़्यादा देर तक देखें, ज़्यादा वॉच टाइम दें। और बस यही रीज़न है कि टेक्निकल मोटू झट बराबर रह गया और झारखंडी कलुआ काफ़ी आगे निकल गए।